रहा था वो दिक्कत होने वाली है। फुटबॉल इसके प्लेयर्स इस शैक में नहीं रह सकते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर बन जाएगी। कहीं ना कहीं टीमों को देखना पड़ेगा क्या वो यहाँ पर फाइट निकाल सकते हैं। नोवा इससे उस फाइट के लिए पूरी तत्पर है, तैयार है। पीटीआर का स्क्वाड उनके बिल्कुल साइड पर रहेगा, बट ऑर्डर और उनके थ्रोएबल्स एक अलग ही स्टोरी यहाँ पर निकालना चाहते थे। लेकिन जिमी देंगे आगे की तरफ, अकेला बचा हुआ प्लेयर क्या पूरी टीम का भार यहाँ पर संभाल सकता है। ऑर्डर बिल्कुल मौली के आगे जाकर के रुके, लोवसिन अब नहीं रुका जाएगा। उनके द्वारा वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं, पैरों पर उनका पहला शिकार हो सकता है, बट लोवसिन गोज डाउन। नोवा एक्सक्यूएफ स्टिल सर्वाइव्स, तीन किल इस टीम के खाते में जाते हुए अभी के लिए। और इस टीम की जो जो टक्कर थी 4AM और ज्यूस वो पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है। जक्सी वहां पे अपने किल्स निपटाते हुए नजर आ रहे, बट यहां पे जिमी भी लाइक दुश्मनों का दम था, हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों ने लूटा इनफैक्ट। बट यहाँ पे पोटैटो देखते किस तरीके किल कंफर्म करता था, बट यहाँ पे जिमी मेरे को समझ नहीं आया वहां पे किस तरीके से ऊपर में जा रहे थे। उनको पता था वहां पे एक मोलोटोव है, बट स्टिल वो एक जो क्लोज इन करने की जो एक चाह रहती है, हम लोग क्लासिक में वो चीज देखते हैं। मोलोटोव है, कोई दिक्कत नहीं, अपना ग्रेनेड पूरा फेंकूंगा, बट यहाँ पे पैरा पॉय का एक ऑन पॉइंट ग्रेनेड जाएगा, लक्सी को टच डाउन करेगा, उनको नॉकडाउन कर देगा। बट यहाँ पे किंग एक वापस से और मोलोटोव फेंकने की कोशिश करे, इसके साथ ही साथ जो लक्सी का खेलता वो पैरा पॉय को फिनिश होता है, उसके साथ पैरा पॉय का एक और ग्रेनेड जाएगा। द मैन विद द गोल्डन हैंड, द मैन विद द गोल्डन आर्म राइट नाउ, राइजन को भी नॉकडाउन करेंगे। लिक्विड के ऊपर पूरा भार नजर आ रहा है हम लोग को, बट जोन भी क्लोजर होता नजर आ, बट यहाँ पे एक और ग्रेनेड ओवर द शेड नजर आया, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया था, बट रिवाइव मेरी ख्याल से सक्सेसफुली दे देंगे। बट यहाँ पे प्ले जोन का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा, और इस वाली फाइट में बहुत ज्यादा एक बहुमूल्य रोल अदा कर रहे हैं। बट पैरा बॉय ही इज ऑन अ रोल राइट नाउ, ही इज ऑन द हीट मैप ऑफ हिज करियर। बिल्कुल, लेकिन एरोवुल्फ एक अलग ही यहाँ पर स्टोरी दिखा सकते हैं। देखिए प्लेयर स्प्लिट होकर के हैं एरोवुल्फ के, नो डाउट दुबई एक्सक्यूएफ के पास चारों प्लेयर्स हैं, बट क्या वो यहाँ से गेम निकाल पाएंगे। लिक्विड को वापस से डैमेज जरूर हुआ है, ऑर्डर वहीं पर अपना पूरा भार संभालना चाहते हैं, पूरी फाइट संभालना चाहते हैं। पैरो अगर उनके पास और थ्रोएबल्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी किस तरीके से फाइट यहाँ पर बनती है। नोवा एक्सक्यूएफ इस टीम को टॉप पर रहने से इस गेम के बाद कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि इनको पॉइंट्स जो चाहिए वो किल्स के फॉर्म में आ चुके हैं, प्लेसमेंट पॉइंट्स एक अलग स्टोरी बनाएंगे। मीनवाइल ग्रेनेड्स अब राइजन के द्वारा भी आ रहे हैं, राइजन ऊपर चढ़ करके बैठे, एक अच्छा एरिया उन्होंने होल्ड किया, लेकिन अगले 5 सेकंड के बाद उनको आगे आना पड़ेगा। सर्कल इन दोनों टीमों से अलग है, सुपरुना स्पॉट की जा चुके हैं, राइजन के द्वारा दिया कुर की फाइट एक बार ले लेते हैं, जहां से भी किल पॉइंट निकल आए उतना बढ़िया, बट राइजन को आगे मूव करना, स्कारल दोनों पिक जरूर करती है। ग्रेनेड लेकर के जाने की कोशिश, सीधा कवर जाएगा एरोवुल्फ के प्लेयर के पास जो नॉक हुए थे, और पोटैटो भी यहां से अपनी फाइट ले रहे हैं। राइजन ने ग्रेनेड किया जिमी के ऊपर था, बट वो कोई डैमेज नहीं दे पाया। लिक्विड एक ही तरफ को रुक करके अपनी हील्स लगा रहे हैं, और राइजन को गन बैटल यहां पर करने दी जा रही है। विल दैट बी वर्थ इट, लिक्विड भी आगे आ चुके हैं, सर्कल की मार उनको अभी भी पड़ रही है, तो जब करके आगे बढ़ेगा। देयर इट इज, पीटीआर के लिए मुश्किल है, बहुत ज्यादा पीटीआर के प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। वेयर इज सक्सी, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन इन दिस फाइट। बिल्कुल, एरोविल के प्लेयर भी जोन के अंदर थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहे हैं, दो प्लेयर अपनी यूएसए उतरे हैं, बट वो बॉल बनाने पहले ज्यादा अनिवार्य रहेंगे। बट यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स को फिनिश करा जा रहा है, लिक्विड को पूरा फिनिश करते गया, बट यहाँ पे पैरो अभी भी उस वाले रिच का कवर बना के बैठे, एक स्मोक मात्र कवर उनके लिए बना होता है पहले, बट अब जोन आगे आगे आता जा रहा है। इस चीज में बात करो, जक्सी को डैमेज देखे अब कितना डील आउट होगा, क्या वो अपना किल डिनाई करेंगे, फोर्स एंड पॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वॉन्ट टू गिव दिस किल टू नोवा एक्सक्यूएफ, बट यहाँ पे सुपर उन्होंने राइजर को पूरा फिनिश कर दिया, इसके साथ क्या यहाँ पे जक्सी आखिरी जो ओपन में उनके लिए बने में वो लेंगे, बिकॉज़ नोवा एक्सक्यूएफ का शॉट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। एक ग्रेनेड आया यहां पे, और उसी के साथ सुपर उना का ग्रेनेड किंग को करेगा नॉकडाउन। क्या एक ग्रेनेड मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। स्प्याव सामने खड़े हुए राइट हैंड साइड से, एक फ्लैंक ऑलरेडी आ चुका है एरोवुल्फ का, बीटीआर का सक्सी अभी भी जिंदा है, वो ट्राई कर रहे हैं कि वो फर्स्ट एड से अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, बट वहां पे सक्सी ने एक किल कंफर्म जरूर करा मरने से पहले किंग का, बट एरोवुल्फ के स्पैव और पोटैटो के ऊपर वाली पूरी फाइट नजर आ रही है हम लोगों को। बट यहाँ पे नोवा एक्सक्यूएफ के पैरा पॉइंट द मैन इन द फॉर्म राइट नाउ, जिमी यहाँ पे क्या कनेक्ट कर पाएंगे, बुलेट्स प्रोन डाउन होकर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं राइट साइड से, जिस तरीके से ये प्लेयर आराम से पोटैटो क्लोज इन कर रहे हैं, ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है इस वाली फाइट में, बिकॉज उन्होंने अभी तक कोई गोली नहीं चलाई है, पूरा जो ध्यान है वो पूरा भटका हुआ है स्पैव ने एंड उन्हीं के सामने, ये बेट क्या हो सकता है, बट यहाँ पे बेट नहीं, ये इज रियली नॉकिंग प्लेयर्स आउट, एंड आखिरी में पोटैटो उठे कॉल ऑन पॉइंट। है क्या ये अपना किल किसी को देंगे या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मीनवाइल पीटीआर के लिए उनको पता है कि उनके सामने यहां पर पावर प्ले के प्लेयर्स होंगे, तो दिक्कत कहीं ना कहीं उनकी तरफ के लिए बनकर के आ रही है। लक्सी ग्रेनेड ओपन करना चाहते हैं, पर क्या वो टू स्टॉप को रोक पाएगा या फिर कोर पाई को दिक्कत देगा, बट लक्सी का जो लोकेशन है इट्स अ ब्रिलियंट लोकेशन, टू स्टॉप लगा रहे राइस का बंद करके फाइट उसके वन गोस डाउन। पावर ट्रिपलेट के कोर पाए जोन के बाहर है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, पोस्टेड लगा पाएंगे या नहीं, दैट्स ओनली वन द क्वेश्चन। ही डज पुट अप अ पोस्टेड, 11 फर्स्ट एड्स है उस प्लेयर के पास, 11 फर्स्ट एड्स तो फिफ्थ से टॉप 3 में भी लेकर के आ सकते हैं। एफ दैट इज डन राइट, मीनवाइल व्हाट 4AM के प्लेयर्स के लिए मुश्किल है, बीटीआर कर चुके, बीटीआर इज ऑन अ रैम्पेज, बट नावी स्टिल अनफेस्ड, नावी के पास कोई फाइट नहीं, नावी आराम से गेम निकाल सकती है।
क्या जरूरत थी स्वान को वहां पे चार्ज करने की, लेकिन चलिए नावी अपने लिए एक अच्छा गेम जैसा आपने बोला निकाल सकती है, एंड आई थिंक ये लोग निकालेंगे भी। पीछे से इन्होंने अभी अभी नोवा एचकेएफ को खत्म किया और अब आगे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। फोर एम और बिगट्रॉन ऑलरेडी एक दूसरे को काफी ज्यादा लो कर चुके हैं, तो नावी के लिए एक आसान क्लोजिंग मोमेंट होना चाहिए, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है, सामने वाली टीम को रिकवर करने का मौका भी नहीं देना है। फोर एम के सिर्फ दो प्लेयर्स बचने वाले इस फाइट में, बिगट्रॉन के जक्सी जो है वो कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की। टिक्स जी ने यहाँ पे एक और प्लेयर को फिनिश किया, ब्राइजन और जक्सी ही बचे बिगट्रॉन रेड एलियन से। ओल्ड बॉय आगे चार्जिंग करते हुए अपनी टीम के साथ और नावी एज ए यूनिट आगे मूव कर रहे हैं। ये गेम नावी के हाथ में, ओल्ड टिक्स जी को रिवाइव दिया जाएगा। ओल्ड बॉय और मैटिक पत्थर के पीछे कवर लेके बैठे और मैक्यू जो है वो नेड के बाद नेड करे जा रहे हैं राइजन की पोजीशन पे। नहीं, राइजन पे फोकस कीजिए, जक्सी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। राइजन को अगर फिनिश किया, जक्सी को 4 एम बाहर निकालेगी और उसके बाद पूरी की पूरी नावी को फाइट करना होगा 4 एम के दो प्लेयर से, जिने और सोक। ये एक इजी गेम है नावी के लिए क्लोज आउट करने के लिए। It's an easy 4v2v2. Ryzen को डाउन किया जाएगा। Miku smoke is a Miku nade right now. जिस हिसाब से grenades का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो आखिरी प्लेयर को फिनिश कर सकते हैं? Important चीज रहेगी। 4M के सिर्फ उनको स्पॉट किया जा चुका है, लेकिन दूसरी साइड से यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से ओल्ड बॉय एक प्लेयर को नॉक करेंगे। Switches on to the different gun. उनको सब प्लेयर्स की लोकेशन पता है, एक प्लेयर BTR का दूसरी डायरेक्शन में, एक प्लेयर 4M का दूसरी डायरेक्शन में, और ये चारों प्लेयर्स बीच में। यहाँ पर आप सैंडविच नहीं हो सकते, यहाँ पर बस आपको फाइट्स देनी है एंड आराम से 4M के इसमें कितना सकता है। जिन्हें एक प्लेयर को डाउन करेंगे, क्या वो और प्लेयर को लेकर के साथ? No, he knows. वो फिनिश करने की फिराक में थे, लेकिन रिवाइवल यहां पर आ जाएगा BTR के ऊपर। नावी यहां पर करारा प्रहार कर सकती है। There it is. नावी gets that game in a brilliant fashion. तो है बिगट्रॉन रेड एलियंस, जिनको वेकेंडी का बादशाह बोला जाता है, इस पूरे मैप का बादशाह बोला जाता है, वो अभी तक इस मैच में सर्वाइव कर रहे हैं अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। बट फिलहाल क्या अप्रोच रहेगा इस गेम को क्लोज आउट करने के लिए फुटबॉलिस्ट, चलिए उनकी बात करते हैं। प्लेयर्स नॉक्ड आउट है, रिवाइव दिए जा रहे हैं। टीम सीक्रेट जिनके जेजी जो उनके काफी करीब मौजूद है, लेकिन बिगट्रॉन रेड एलियंस आउट इन दी ओपन, ये थोड़ा सा गलत हो सकता था। पत्थर के पीछे कवर लेते हुए प्लेयर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सुख की तरफ से एक नेट जाता हुआ, पीछे से आ चुके टीम सीक्रेट के जेजी, और यहाँ पे बिगट्रॉन रेड एलियंस की सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही। सैंडविच हो चुके हैं दो टीम्स के बीच में। किंग्स वहां पर लिक्विड को पिन डाउन करके बैठे, लिक्विड फोकस है फुटबॉलिस्ट के ऊपर। यहाँ पे हर जगह से गोलियां चलाई जा रही है, लिक्विड को फाइनली डाउन किया जाएगा 4M के स्वान के द्वारा। एक और ऑफ एंगल आता हुआ बिगट्रॉन रेड एलियंस, ओपन में चार्ज करने की कोशिश की, सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये डिसीजन बैकफायर कर गया टीम के लिए। एग्जैक्टली 4M के प्लेयर्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। टीम सीक्रेट जिन के प्लेयर्स वो थोड़ा सा पीछे, BTR के प्लेयर्स को दिक्कत है खड़ी हो सके, बिकॉज वो सैंडविच पोजीशन में सामने है 4M का स्क्वाड, पीछे टीम सीक्रेट जिन। इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं, जेसी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे 4M के प्लेयर्स उनके लिए वेट करेंगे। प्रोन डाउन जरूर हो चुके हैं, बट सामने से राइजन थोड़ा सा स्ट्रगल में नजर आ रहे हैं, बिकॉज उनके पास हीलिंग इतनी है नहीं, और उसी के साथ प्ले जोन का भी डैमेज उनको देगा। इसके साथ क्या ही किल स्वान अपने ने निकाल सकते हैं। राइजन का जो किल था वो स्वान को नहीं मिला, प्ले जोन ही जाके उनको खत्म करेगा, बट 4M के प्लेयर्स अभी भी चारों जिंदा है। फुटबॉल का स्क्वाड स्कोल के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है, 1 HP उनको छोड़ा जरूर था। सुख यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स को लड्स सामने उनके है, और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा लोवा जिन भी ट्राई कर रहे थे अपनी दासी के साथ कवर बनाने। एग्जैक्टली उन्होंने स्मोक पे कवर बना जरूर लिया, बट वहां पे लेफ्ट साइड पे टी सीक्रेट जिन के प्लेयर्स कौन सो पीछे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं प्ले जोन से अंदर आने के लिए। बट यहाँ पे 4M के प्लेयर्स कितना स्प्रेड आउट और कितना ओपन में खेल रहे हैं, मात्र एक रिज है उनके सामने। फुटबॉल के प्लेयर्स चारों दे आर बैक ऑन ट्रैक, दे वॉन्ट टू विन दिस वन सो दैट दे कैन कम इन टू द टॉप 10 सिचुएशन, बिकॉज अभी वो लोग 13th पोजीशन में 144 पॉइंट के साथ लास्ट वाले मैच में, बट अभी दे जस्ट वांट टू रोल देयर स्लीव्स अप एंड ये वाला मैच जीतना चाहेंगे वीकेंडी का। या डेफिनेटली ये मैच में जीत हासिल करना चाहेंगे, लेकिन 4M के लिए दिक्कत यहां पे होती है, स्वान के ऊपर बहुत ही बेहतरीन शॉट्स आते फुटबॉलिस्ट के रॉम के, और अब BTR बाहर हो चुकी है, तीन टीम्स बची है, 11 प्लेयर्स अभी जिंदा है। फुटबॉलिस्ट वर्सेस 4M की ये लड़ाई आई थिंक केतन डिसाइड कर देगी कि कौन ये मैच जीतने वाले, क्योंकि टीम सीक्रेट जिन तो ब्लू जोन के अगेंस्ट ही उनकी एक अलग जद्दोजहद चल रही है। थोड़े बहुत प्लेयर्स आगे मूव करते हुए हमको नजर आ रहे हैं टीम सीक्रेट जिन के, और अब फाइनली सर्कल के अंदर वो लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे प्रोनाउनों के, लेकिन उनकी पोजीशन भी काफी ज्यादा खराब हमको नजर आ रही है। और अब क्योंकि कोशिश करेंगे फुटबॉलिस्ट को यहाँ पे दिक्कतें दें, स्मोक के अंदर शॉट्स डालेगा, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन गिव अवे हो चुकी है नेड के साथ। अब प्रयास किया जाएगा, पीछे केंगजो हील बैटल कर रहे हैं काफी देर से, ये बहुत देर से हील बैटल कर रहे हैं, दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉर वे टू लॉन्ग। बिल्कुल कॉस्मोस को यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा। और अचीवमेंट की बात करें तो 4M के सुख 10,000 डैमेज यहाँ पे कंसीव कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ग्रेनेड जरूर फेंका जाएगा उनके द्वारा, वहां पे सुख को स्पॉट करेंगे, और उसके साथ यहाँ पे जिने के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था, बट वहां पे 2K को नॉकआउट कर देंगे हसाकी। अब ये फाइट क्या फुटबॉलिस्ट अपने हाथ पे लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 8 किल उनके पास यहाँ पे 4M के पास है, फुटबॉलिस्ट के पास देखते हैं कितने किल है, दो ही किल है मात्र। स्मोक बना के आगे बढ़ने की कोशिश जरूर है उनकी पार्ट। 4M के प्लेयर्स के पास अभी नॉकआउट से रिवाइवल की पॉसिबिलिटी जरूर उनके
उसके ब्रेक बट यहाँ पे जिने ने बहुत ही प्यारा कवर फायर दिया, सोल केयर को वहां पे नॉक डाउन करेंगे, बट रिवाइवल का प्रोसेस उसी टाइम लोवा से ट्राई कर, बट सामने से रैंडम बुलेट जरूर ट्राई करें, बट यहाँ पे कैंगजो अभी भी जिंदा है, यू डोंट वांट टू डाई ओवर देयर एंड अभी भी प्ले जोन से लड़ रहे हैं, फर्स्ट एड पॉप इन कर रहे हैं, बट फाइनली ही गेट्स आउट, दो टीमें बची हुई है, फोर वर्सेस फोर की सिचुएशन, दो प्लेयर फुटबॉलर्स के नॉकडाउन नजर आ रहे हैं, सुख को यहाँ पे किसी भी टाइप पे रिवाइवल मिल सकता है, इसके साथ हसा की जिस तरीके से इस प्लेयर ने कवर फायर दिया, जिन्होंने फुटबॉलर्स के प्लेयर को रोक के रखा सो दैट की यहाँ पे रिवाइवल जो थे बचे हुए अधूरे उनको पूरा कर दिया जाए, बट यहाँ पे फोरम के प्लेयर्स दे वांट टू विन दिस वन, राइट हैंड साइड से एक फ्लैग नजर आ रहा है हसा के द्वारा, उनके पास एक अच्छा मौका ये विक्ट्री निकालेगा, बट यहाँ पे उसी के द्वारा ये किल कुछ निकाली कुछ, बट यहाँ पे रॉक को नॉकआउट कर दिया जाएगा, लुट्स को क्या यहाँ पे फिनिश करें, this thumbs up 4am winning bump another chicken dinner कर रहे अपने आगे वाली टीम को दिक्कत दे, लेकिन सर्कल उनका इस टाइम साथ नहीं दे रहा है और जोन के बाहर रहना बहुत बड़ी मुश्किल कर सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेनेड जाता है, जैक्स को नॉकडाउन किया जाएगा, एक ही प्लेयर बचे हैं A1 Esports के as we speak. एग्जैक्टली नावी के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देते हुए नजर आ सकते हैं, बट यहाँ पे मैटिक को रिवाइव देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट पीछे से एरोवुल्फ के जो रेनॉल्ड है जो आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं एरोवुल्फ के वो भी क्लोजिंग कर रहे हैं, बट वहां पे पैरअप बॉय बिल्कुल चुस्त बैठे हुए थे, उनको पता था पीछे से प्लेयर्स आएंगे, जोन आ रहा है, अब नावी के प्लेयर्स भी धीरे धीरे करके जो नोवा स्क्विफ का स्क्वाड बैठा हुआ नीचे मेरे ख्याल से पैराबॉय की शिकार बन सकते हैं अगर वो लोग इस डेप का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, बट पैराबॉय कोई फुटस्टेप्स दे ही नहीं रहे, इसी के चलते यहाँ पे क्या मैटिक ये जो प्रोन हो रखे डासी के साइड पे आराम से वो भी स्पॉट हो सकते हैं, बट वहाँ पे स्वैगवेन अपनी डीपी का जो कमाल है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कोरिना पावर के गोंजो को वहाँ पे डीपी जरूर थी, उनके पास दो किल ऑलरेडी आ चुके, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक प्लेयर प्रोन गॉडलेस बहुत एक अच्छी पोजीशन में, उनको ये जिम्मा संभालना पड़ेगा, जिमी को नॉकडाउन करना पड़ेगा उन्हें, बट यहाँ पे आईसी को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, एबली को भी ऊपर आना चाहिए, बहुत ज्यादा थ्रोएबल्स वहां पे फेंके जा रहे हैं गॉडलेस के ऊपर, हर जगह से दिक्कतें हैं यहाँ पे ज्यूस को, एबली को भी वहां पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा, पांचवा किल यहाँ पे पैराबॉय के नाम आएगा, राइट साइड से ऑर्डर भी अपनी ग्रोजा का कमाल दिखाते हुए नजर आ रहा है, बट पीछे से बैक स्टैबिंग पोजीशन भी बन सकती है, नावी आ रही है पीछे से, बट नो एक्सक्यूज के पैराबॉय ने अकेले ने वो पीछे पूरा भार संभाला हुआ, A1 Esports का खात्मा यहाँ पे हम लोग को नजर आया, छठे पे कोरिना पावर का स्क्वाड एक बार वापस से चिकन डिनर का स्वाद उन लोगों को नहीं मिल पाया, वेल पैराबॉय के डीपी वापस वो कमाल दिखा रहे, मीनवाइल विक को भी यहां पर डाउन किया जाएगा, जिमी की मिनी 14 भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, ऑर्डर की ग्रोजा की आप बात कीजिए, जिमी की मिनी 14 और पैराबॉय की डीपी, ये तीन प्लेयर्स अपनी अपनी गन्स रिस्पेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, नावी के प्लेयर्स को सर्कल में आना हल्का फुल्का दिक्कत दे सकता है, वो आगे आएंगे तो पैराबॉय को दिक्कत देंगे, यस वही चीज यहां पर हो रही है, पैराबॉय वहां पर मैटिक गिर करके फिनिश हुआ, नावी को भी वहां पर फिनिश किया जा चुका है, ऑर्डर अब कोशिश कर रहे हैं ज्यूस के ऊपर अपना पूरा भार संभाल देंगे, ऑर्डर कहीं ना कहीं ये गेम अपने आप से नहीं जाने देना चाहिए, तीन किल्स के बाद एक अच्छा थ्रोबॉल यहां पर जाएगा, लेकिन स्वैगविन वहां पर ज्यूस की कहानी खत्म करेंगे, अल्फा 7 के स्वैगविन अब आगे मूव करके, बट गेम नोवा एक्सक्यूब के हिस्से में जा सकता है, इजी 4v1v1 कहीं ना कहीं स्वैगविन को भी डाउन किया जाएगा, टीम सीक्रेट इनके केंजो के द्वारा जितने किल्स निकाल सके उतना बढ़िया, बट अकेला प्लेयर अब यहां पर क्या कर पाएगा, नोवा एक्सक्यूब एक और बेहतरीन गेम अपने हिस्से में बनाते हुए, एक प्यारा चिकन डिनर नोवा एक्सक्यूब के लिए।